हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ह्यूमन स्क्रीन। कोई ई वॉलेट जैसे IRCTC का, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। जो IRCTC का ई वॉलेट है, उसके आप जानते हैं अगर उससे बुक करते हैं तो आपका वॉलेट में आ जाता है। पहले आ जाता था तुरंत, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा है। ये 1, 2 या 3 दिन का प्रोसीजर लगता है, तो उसी के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं अपना टिकट बुक करने के लिए? तो पहला ऑप्शन आता है जो कि आप जो है 1-2 महीना पहले से ही आप अपना टिकट बुक कर लें, जिसमें आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट वो हमेशा अवेलेबल रहता है 1-2 महीना पहले। और रिटर्न का भी आप पहले से 1-2 महीना पहले से सोच के चलिए कि मुझे 1-2 महीना पहले ही टिकट बुक करके रखना है, तो इसमें आपको इजी होगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन आप तत्काल करने जाएंगे तो कई जगह जैसे आपका मतलब ज़्यादा मतलब पब्लिक ट्रैवल नहीं करते, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, जैसे आपका कोई दूसरा जैसे गांव है उसमें आप कोई ज़्यादा नहीं ज़्यादा या कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, वहाँ का तत्काल हो जाएगा। लेकिन आप अगर मुंबई जाते हैं या बड़े बड़े सिटीज़ के लिए आप टिकट बुक करने जाते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा कुछ सेकंड में ही आपका तत्काल जो विंडो खुलता है, वहाँ कुछ सेकंड में ही आपका जो तत्काल का सीट है वो भर जाता है। तो आप कैसे कर सकते हैं, कभी भी आप खोल के देखिएगा कि आप जैसे ही विंडो खोलते हैं, आप अपना नाम तक लिखने जाएंगे तब भी आपका जो है वो टिकट बुकिंग जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा और आपका पैसा तुरंत नहीं आता, वो 7 दिन बाद आता है, जो कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है क्योंकि सर्वर में बहुत लोड आ जाता है और आपका जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाता। और ये सर्वर लोड इसीलिए आता है कि बहुत सारे जन उतने ही तत्काल टिकट को वो बुक करने के लिए उस टाइम में बुक करते रहते हैं, तो इसीलिए वो आपका जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाता। और इसी कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजेंट की मदद लेते हैं, और आजकल ऐसा भी हो गया कि एजेंट के पास सॉफ्टवेयर, और जी हम तो एजेंट के पास जाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे एजेंट हो गए हैं जिसके कारण वो अपना अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जिसके कारण उन्हीं लोग का अब वो जो प्रोसीजर है वो नहीं हो जा रहा है और वो भी काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे मैं टिप्स आपको देना चाहूँगा जिससे आप अपना तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। नाउ हम ई वॉलेट जो यूज़ करते हैं IRCTC का, तो उसमें क्या है, आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, 100-250 रुपये आपको IRCTC ई वॉलेट में अकाउंट खुलवाने का उसके चार्जेस लगेंगे। और उसमें आपका रिडीम्शन का ऑप्शन रहता ही नहीं है, वो आप अगर बैंक से अपने वॉलेट में जमा करते हैं तो उसे आप बाद में अपने बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो आपके वॉलेट में चले गया तो चले गया, आप सिर्फ उससे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अब नाउ आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि टिकट कैसे बुक करें। नाउ आप पेमेंट गेटवे में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है आपका IRCTC ई वॉलेट का, तो वहाँ पर जाके आपको वो ऑप्शन को चॉइस करना है और वहाँ से आपको बुक करना है। अब एक प्रोसीजर ये भी आता है कि वहाँ से भी आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, ये आपको मैं आज बताना चाहूँगा, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है और बहुत से लोगों के साथ हुआ है। अब IRCTC वॉलेट तो हम बना लिए हैं अपने जो भी अवेबिलिटी के लिए है और अपने कंफर्टेबल के लिए, और IRCTC बोलता है हमारे ई वॉलेट में जमा करो तो आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे आप जितना हमारे में डाल रहे हैं वॉलेट में और टिकट जितना है, जैसे हमारा टिकट है 400 रुपीज़ का, तो उसमें आप 400 रुपीज़ डालेंगे और टैक्स का जैसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है, तो आप 450 डाल दिए अपने ई वॉलेट में, लेकिन वहाँ पर भी आपका जो अकाउंट से ई वॉलेट से आपका टिकट बुक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपको एक सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, कम से कम उसमें मिनिमम बैलेंस रहना ही चाहिए 100 रुपीज़, तभी आपका जो टिकट का प्रोसीजर है वो बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा।
आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना बैलेंस 100 रुपीज़, और ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें उसमें लिखा है नहीं जब ई वॉलेट आप खोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ कम से कम उसमें रखना ही पड़ेगा। इसी के चलते मेरा कई टिकट अभी भी बुक नहीं होता था, और मैंने जब पूछा कस्टमर केयर से तो उन्होंने खुद कहा कि आपको कम से कम 100 रुपीज़ अपने वॉलेट में रखना ही होगा। तो ऐसा क्यों करें फ्रेंड्स, हम क्यों अपना 100 रुपीज़ उसमें बना के रखें और क्यों उनका अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करें, जो कि पूरा IRCTC का वॉलेट का बैंक टाइप का है, उसे हम क्यों मेंटेन करें। हम अपना जो वॉलेट से हम जितना टिकट बुक करने का जो प्राइस है उसको बुक कर रहे हैं, वहाँ से हमारा काम ख़त्म। तो अगर आप चाहते हैं अगर ई वॉलेट का यूज़ करना, तो ये था आपको सीक्रेट टिप कि आपको 100 रुपीज़ उसमें रखना ही होगा, तभी आपका वहाँ पर जो है आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ मेरे लैपटॉप से। नो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा डैशबोर्ड, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरा अकाउंट में जाता हूँ, सॉरी ये आपको मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा मैंने टिकट बुक किया है। और मैं आपको अपना ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ ई वॉलेट का। तो यहाँ पर मैंने गया और मैं यहाँ पर आता हूँ IRCTC ई वॉलेट अकाउंट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे ई वॉलेट का अकाउंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे 18 जून को बना है, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि 18 जून को मैंने बनाया है, और यहाँ पर आपको इसकी अकाउंट का स्टेटमेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 785 रुपीज़ था, मैंने 100 रुपीज़ उसको डाल के खोला था। और यहाँ पर आपको डी मतलब डेबिट और ये है क्रेडिट। तो यहाँ पर 696 का मुझे मैंने टिकट बुक किया था, और यहाँ पर कम से कम 88 रुपीज़ बैलेंस था। फिर वहाँ पर मैंने फिर 700 रुपये डाला, और फिर यहाँ से मैंने डेबिट किया था, लेकिन वो फिर आपका जानते हैं जैसे 100 रुपये मेंटेन करना है तो उसमें आपको 100 रुपये कम से कम मेंटेन करना पड़ता है। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना 100 रुपीज़ मेंटेन किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 730 था, यहाँ पर तो 738 था। तो यहाँ पर मैंने फिर 100 रुपीज़ डाला, और उसमें से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो बार मैंने डिपॉज़िट किया 730 करके, फिर 100 रुपीज़ किया, और उसके बाद मैंने बुकिंग किया। यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉज़िट, और यहाँ पर मैंने बुकिंग किया 714 रुपीज़ का, और 123 आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मिनिमम बैलेंस कम से कम रहना चाहिए। नाउ फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कि मेरा बुकिंग फेल्ड हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बुकिंग किया, और ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जब जी मैंने डिपॉज़िट किया है 180 रुपीज़, फिर मैंने डिपॉज़िट किया है, और फिर उसके बाद आपको मतलब कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा आपको बैलेंस, ऐसा है। तभी कभी आप जब भी आप तत्काल बुकिंग करेंगे तो फास्ट इतना होता है कि ऑटो फिलिंग आप जब करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप IRCTC ई वॉलेट में आप डाल के रखते हैं जो कि आपका 3 दिन में वापस आ जाता है। तो इसी कारण मैंने ई वॉलेट में बनाया था अपना अकाउंट, क्योंकि पैसा वेस्ट होते रहता है आपका, क्या है फेल्ड हो जाता है और 7 दिन बाद आता है पैसा, इसी कारण मैंने ई वॉलेट में बनाया। लेकिन इसमें भी ऐसा प्रोसीजर है कि कम से कम आपको 100 रुपीज़ पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो उससे आपका जो ऑटो फिलिंग वाला भी जो प्रोसेस है मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, ऑटो फिल कैसे करते हैं और उसको एक्सटेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बने हुए यूट्यूब में, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ऑटो फिलिंग प्रोसेस पूरा पता चलेगा तत्काल टिकट के लिए। सो गाइस, ये तो था हमारा जो तत्काल टिकट बुक करने का प्रोसीजर, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं
उसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, अगर आपको समझ आया होगा वो भी आपको अच्छे से तरीके से समझ आया और आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना मत पड़े जैसा मुझे करना पड़ा। अगर इस रिलेटेड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको इससे क्या हेल्प मिला और आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस किए और अभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने हैं तो कमेंट करके नीचे बताइए, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा। और मेरे आपको कुछ अगर सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तत्काल बुकिंग का है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या ऑटो फिलिंग तो आप कर सकते हैं, जैसे क्रोम में आता है उसमें भी आप ऑटो फिलिंग वाला कर सकते हैं, एक्सटेंशन आता है क्रोम का, ऑटो फिल आप यूज़ कर सकते हैं और आप ई वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैंने बताया कि 100 रुपीज़ कम से कम मिनिमम आपको रख के चलना पड़ेगा। अगर 420 रुपीज़ का आपका टिकट चार्ज है तो उसमें आपको 520 रुपीज़ आपको रखना पड़ेगा, जो कि आपका 420 रुपीज़ कट जाएगा और एज ए 100 रुपीज़ आपका मिनिमम बैलेंस रहेगा, उसमें आपको 100 रुपीज़ कम से कम मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये तो था आज का वीडियो गाइस, और भी ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।